Hello everyone, I am Rahul Kumar Prajapati and you are watching SST Paradigm Achievers. Today we will discuss on the topic of the making of socialist society. तो इसमें हम क्या जानेंगे कि कैसे कैसे सोसाइटी जो है सोशलिस्ट सोसाइटी के रूप में ग्रो कर रही थी. As you know well, I have told in my previous videos that Bolshevik Party was ruling at that time. तो Bolshevik Party उस समय अस्तित्व में आ चुकी थी. तो Bolshevik Party क्या कर रही थी, चूँकि इसने पहले ही बोल दिया था कि मैं जब सत्ता में आऊँगा तो मैं सत्ता में आने के बाद अपने तरीके से सोशलिस्ट सोसाइटी को ग्रो कराऊँगा. तो उसने क्या किया, बैंक एंड इंडस्ट्रीज वेयर नेशनलाइज, उसने क्या किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया. इसके बाद क्या किया, कलेक्टिव वर्क परफॉर्म बाय द पीजेंट एंड अनकन्फिस्केटेड लैंड. देखिए कन्फिस्केटेड लैंड का मतलब क्या है, इसने अपने पहले ही बताया था कि बोल्शेविक पार्टी ने जो समाज के जो बड़े तबके थे, जो राय जात से संबंधित थे, उन्होंने क्या किया था, बड़े बड़े क्षेत्रों को अपने अंडर में रखा था. लेकिन जैसे ही बोल्शेविक पार्टी की सरकार बनती है, बोल्शेविक पार्टी क्या करने लगती है, तुरंत बड़े बड़े क्षेत्रों को अपने अंडर में ले लेती है. अब उस कन्फिस्केटेड लैंड का मतलब ये होता था कि उन लैंड को जब्त कर लेती है गवर्नमेंट. जब जब्त कर लेती है और उसके बाद उस लैंड पर खेती कराती है. किसे, इन्हीं पीजेंट से, वहां के जो किसान थे पीजेंट, उन्हीं से खेती कराती है. ठीक है, तो इसी बात को उसने बोला है. अब देखिए दे लॉन्च 5 ईयर प्लान 1927 टू 1932 एंड 1933 टू 1938. दो बार 5 ईयर प्लान लॉन्च किया जाता है. हमारे भारत में भी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी, वो उसी रशिया से ग्रहण की गई है. ठीक है, तो जो हमारे जो है भारत में 1951 में जो 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया था, वही प्लान जो है वो हमने रशिया से ग्रहण किया है. और रशिया पर ये चीजें बहुत पहले ही हो चुकी थी. और उस समय इंडस्ट्री का बहुत तेजी से ग्रो होता है. और ग्रोथ होना बहुत आसान थोड़ी ना है, ग्रोथ होने के लिए बहुत मजना पड़ता है. मजने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा लोग वर्क करते हैं. जब आप बहुत ज्यादा तैयारी करते हो तब जाके आपका रिजल्ट में आता है. आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ोगे, कम पढ़ोगे तो कम ही आपको परिणाम मिलेगा. ठीक उसी तरह से इनको ज्यादा वर्क करना पड़ रहा था. अब देखिए दिस ऑल लीड टू द ह्यूज इंडस्ट्रियल ग्रोथ. इंडस्ट्री का बहुत बड़े पैमाने पर ग्रोथ हो गया था. एंड न्यू फैक्ट्रीज बिगन टू कम अप, और नई नई फैक्ट्रीज जो है उस समय अस्तित्व आई. हाउएवर देयर वाज डार्क साइड टू इट. डार्क साइड क्या था, चूंकि काम तो करा रहे थे लेकिन इसका बहुत बड़ा डार्क साइड था. डार्क साइड क्या है अब ये समझिए, चूंकि फैक्ट्रीज है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, और उस फैक्ट्री में -40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कम चला जाता है. रूस की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि वहां पर ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है. और वहां पर बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज जो है लॉन्च कर दिए गए थे. अब जब बड़ी बड़ी फैक्ट्री जो है वहां लॉन्च की गई है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, मजदूरों से बहुत ज्यादा काम कराया जा रहा है. अब एक सपोज करिए कि मजदूर को टॉयलेट भी लग गया तो उसको कितनी सीढ़ी, बहुत ढेर सारी सीढ़ियां चढ़ करके नीचे जाना पड़ता था, उसके बाद दूर जाना पड़ता था. यानी वर्किंग कंडीशंस भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी. ठीक है, तो उसका डार्क साइड क्या कहते हैं, देखिए रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू द पुअर वर्किंग कंडीशंस. मैंने पहले ही बताया वर्कर्स लीव इन द हार्ड लाइफ. उनका जीवन सही तरीके से नहीं गुजर रहा था, उनसे ज्यादा से ज्यादा काम अब लिया जा रहा था. frequent stoppage of the work in the first year alone. देखिए frequent stoppage में क्या है, 55 जब first year plan लॉन्च किया गया था तो उसमें 550 बार काम जो है रुका था. 550 times it was broken. देखो 550 बार काम रुकने का मतलब क्या है, लाइट कहीं चली गई तो उससे काम रुका, तो इसका जो है बैड इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं. अब देखिए क्या होता है, न्यू गवर्नमेंट टुक द फॉलोइंग स्टेप टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ वर्कर्स. क्योंकि इतनी सारी कंडीशन हो रही है तो क्या बोल्शेविक पार्टी के लोगों को पता नहीं था, तो धीमे धीमे अब सोचते हैं कि अगर ये कंडीशन हम नहीं सुधारेंगे तो हो सकता है अगली बार हम अस्तित्व में ना आए और हमारे खिलाफ विद्रोह ज्यादा हो जाए. तो इसीलिए वो क्या कर रहे थे,
इस दशा को सुधारने का प्रयास कर रहे थे। तो देखिए क्या होता है, नाउ गवर्नमेंट टुक द फॉलोइंग स्टेप टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वर्कर्स, दे लॉन्च एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम फॉर वर्कर्स एंड पीजन। देखिए यहाँ एक वर्ड है एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम, क्योंकि बहुत सारे लोग जब काम कर रहे हैं तो उनमें महिलाएं भी बहुत ज्यादा थी, ठीक है, क्योंकि महिलाएं रूस में आंदोलन में भी बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका अदा कर रही थी। तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जिनके पास बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती थी जब वो बच्चों के साथ आते थे। अब होता क्या है कि वो बच्चों को तो लाते थे, तो उनके लिए क्रीचेज बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? क्रीचेज। यहाँ पर मैंने लिखा है क्रीचेज वेयर फॉर एस्टेब्लिश इन फैक्ट्रीज, तो क्रीचेज बनाए गए थे जिसमें कुछ महिलाओं को वहां रख दिया गया था और एक प्लेस फिक्स कर दिया गया था वहां पर, और वहीं पर बच्चों को खिलाया जाता था। जैसे बालवाड़ी आजकल की नहीं होती है, तो बालवाड़ी टाइप में कुछ बनाया गया था इसको, ठीक है, जहाँ बच्चों के खेलने का प्रबंध हो उनको महिलाएं कुछ महिलाएं जो है देखती थी। तो ऐसे सिस्टम बनाए गए और रूम्स के कंडीशंस सुधारे गए। देखिए फॉर द चिल्ड्रेन एंड वुमेन वर्कर्स, देखिए चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड, क्योंकि मजदूर जो है बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो गई। अब तबीयत खराब होगी तो चीप फैसिलिटी अगर मिलेगी, क्योंकि मजदूर सस्ती से वो सर्विस खोजता है, एक मजदूर के पास उतना पैसा तो है नहीं कि फाइव स्टार हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराए, इसीलिए चीप हेल्थ केयर सर्विस उनको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वेयर सेटअप सेट फॉर द वर्कर्स। अब देखिए पहले भी मैंने बताया था कि शुरू में जो रशिया की कंडीशन थी बहुत बेकार थी, वहाँ पर एक जो है बेड फिक्स हुआ करते थे, डर्मिट्री होती थी और डर्मिट्री में बेड फिक्स होते थे कि कितने घंटे तक तुम्हें सोना है, कितने घंटे के बाद दूसरा वर्कर उसी बेड पर आकर सोएगा, और बहुत छोटे छोटे घर होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्पेस होते थे लोगों के सोने के लिए, तो बहुत बेकार कंडीशन थी। लेकिन जब बोल्शेविक पार्टी की सरकार बनती है और इस समय तक लोगों को लोग अपने लिए आवाज़ उठाने लगे थे, अब जाकर के बोल्शेविक पार्टी को समझ में आता है कि कंडीशन अगर नहीं सुधारेंगे तो हमारे खिलाफ विद्रोह हो सकते हैं, तो लोग इस ओर लोगों का ध्यान आता है। अब बात करते हैं हाउएवर इंपैक्ट ऑफ ऑल दिस इफोर्ट वाज लिमिटेड बिकॉज ऑल दिस इफोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट वेयर लिमिटेड, रिसोर्सेज वेयर लिमिटेड होगा, ठीक है, तो उनके पास जो है रिसोर्सेज क्या थे, रिसोर्सेज लिमिटेड थे, ठीक है, रिसोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट वेयर लिमिटेड, क्या हो जाएगा वहां पर रिसोर्सेज होगा, ठीक है। बिकॉज रिसोर्सेज हो जाएगा, रिसोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट लिमिटेड, देखिए गवर्नमेंट के पास उतने रिसोर्स नहीं थे, गवर्नमेंट चाहती तो थी बहुत कुछ करना, लेकिन जब तक रिसोर्स नहीं रहेगा तब तक आप नहीं कर सकते। इसी के साथ आपका ये वीडियो यहीं पर फिनिश होता है, थैंक यू।